तो इतनी छोटी सी रोड पर इतनी बड़ी बस जा रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ से जो साइड से दूसरी गाड़ियाँ निकलती हैं। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सफ़र पेपर। मैं हूँ इस टाइम अम्बाजी में और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 बज के, मतलब 9:30 बज रहे हैं। हाँ, मुझे लगा 9:15 हो रहे होंगे। और ये देखो मेरे सामने है शक्ति द्वार, यही है अम्बाजी का टेंपल। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, अच्छे खासे श्रद्धालु यहाँ पर डेली आते रहते हैं। कुछ इस तरीके का ये टेम्पल है और ये पूरी सिटी है अम्बाजी की, थोड़ा पीछे की तरफ भी अच्छी थी। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी माउंट आबू के लिए और बारिश कि हल्की हल्की बौछारें पड़ने लगी हैं। आज मौसम तो भाई साहब और सभी दिनों से गजब का है, मतलब बात लगता है कि पूरे रास्ते गजब की बारिश मिलने वाली है। राइडिंग गियर्स, जैकेट, नी गार्ड्स, ग्लव्स सब कुछ मैंने छोड़ दिया है अपने होटल में। जाना है हमको केवल 50 किलोमीटर यहाँ से, मैं 60 किलोमीटर का कह रहा था आपको, मगर यहाँ से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है अपना माउंट आबू, मतलब करीब 1.5 घंटा लगेगा, दिखा तो यही रहा है। तो भाई मौसम ने वाकई, मैं कई बार कह चुका हूँ फिर से कह रहा हूँ मैं कि इस बार हमारी जो ट्रिप है इसमें समा बांध दिया है गजब का, बहुत बढ़िया वाला। लग ही नहीं रहा है कि हम राजस्थान गुजरात घूम रहे हैं और वहाँ की गर्मी में, जबकि मौसम आज है 3 सितंबर, तो इस टाइम तो गर्मी होती है अच्छी खासी उमस वाली। ओए होए, कैसे ऊपर से नीचे की तरफ रोड निकल के आई, मज़ा आ गया देख कर। तो जिस तरीके से रोड बड़ी प्यारी है यार, कल रात को थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने लगे थे मगर फिर वीडियो मैंने बंद कर दी थी, अंधकार में वीडियोज़ आती नहीं है अच्छी। चलिए ब्रेकफास्ट कर रुके थे तो ब्रेकफास्ट अपना आ गया है, कुछ रोटी पराठे से नहीं मंगाए, काफ़ी हल्का अपने मंगाया है, जैसे ये अपने वेज पकोड़े मंगा लिए, इसमें मिर्ची, आलू और पता नहीं गोभी है शायद, ऐसे कुछ पकोड़े हैं। तो खाते हैं पकोड़े, करते हैं सफ़र, बने रहिए हमारे सफ़र के हम सफ़र। और मज़ा आ गया पकोड़े खाकर, अरे वाह, पनीर के भी हैं, मतलब मिक्स वेज में सब कुछ ही है, पनीर, आलू, गोभी, मिर्ची। देखो टेम्प्टिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा ही, खाने में मज़ा आ गया। तो इस बार था प्लान लैंड एरिया में पूरा राइड करने का, मैं उसके बावजूद भी देखो माउंटेन राइड हो ही गई, मतलब जहाँ भी जाते हैं ना एक माउंटेन पर तो आ ही जाते हैं। अभी पीछे जब से बाइक ली है, जब से जितनी भी राइड की है सारी माउंटेन्स की ही की है, और अब की बार आए गुजरात, अगर जाते जाते जो है यहाँ पर भी अब माउंट आबू आ ही रहे हैं, मतलब पहाड़ जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा, या फिर हम पहाड़ों को पीछा नहीं छोड़ेंगे ऐसा कह लो। तो ये कुछ अंदर वाली रोड पे हम मुड़ गए हैं, अभी हमको मैप ने मोड़ दिया अंदर, वैसे बोर्ड भी लग रहा था यहाँ अंदर मुड़ने के लिए। और यहाँ पे इस तरह की रोड कुछ आ रही है बार बार, माउंट आबू लिखा तो हुआ सामने, माउंट आबू, आबू रोड। तो ये रास्ता कुछ इस तरह से अंदर से होते होते जाने का, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से माउंट आबू स्टार्ट हो चुका है और देखो फोटो शोटो खिंचवाते हुए लोग भाग। तो सांप की तरह लहलहाती रोड पे इस टाइम हम चल रहे हैं और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरी आबू पर्वत की। यहाँ पे जगह जगह पे ये बोर्ड्स लग रहे हैं यहाँ पे कि आपको दिखेगा बियर्स मिल सकते हैं यहाँ पे, टाइगर मिल सकते हैं यहाँ पे, हिरन मिल सकते हैं यहाँ पर, कई सारे जंगली जानवर जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से शाम के बाद कभी भी निकल भी सकते हैं रोड पर, हो सकता है ऐसा, दिन में तो दिखना काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन ही है एक तरीके से।
देखो लोग कैसे लद के जा रहे हैं एकदम जीप पे पीछे। बढ़िया ऊपर वाले बंदे को देखो यार कैसे एकदम ऊपर टिक कर बैठा है। यहाँ सीन देखो कितना खूबसूरत सीन दिख रहा है भाई। हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, ये तो पक्का उत्तराखंड की फीलिंग आ रही है यहाँ पर। बढ़िया वाली एकदम। ट्रक के पीछे पीछे सब चल रहे ले भाई, अपने को आगे निकलने का है। और हम एंटर कर चुके हैं माउंट आबू में। अभी भी बारिश रुकी है तो मैं फिर से गोप्रो लगा लिया। और ये कुछ इस तरह का है पूरे माउंट आबू का एरिया। और होटल्स यहाँ पे एक के बाद एक काफ़ी होटल्स मिलेंगे, काफ़ी लोग पूछने भी आ रहे हैं आपसे बार बार। ये कुछ मार्केट है यहाँ की, आप देख सकते हो। अरे सामने देखो नीचे उतरती है यहाँ पे, जैसे नैनीताल में नीचे उतरते हैं ना और उतरते झील दिखती है, ऐसे कुछ यहाँ का नज़ारा यार, झील वाला नज़ारा। तो ये है कि नक्की झील। फाइनली पहुँच गए नक्की लेक। ये क्या है ये बताओ, ये कूड़ेदान है, वो क्या तरीके से बनाया गया एकदम बोतल के डिज़ाइन में। तो भैया माउंट आबू जो है ना, ये राजस्थान का नैनीताल है। जैसे नैनीताल में पब्लिक आती है ना, वैसे यहाँ पे पब्लिक आती है, और वैसे यहाँ पे झील में बोटिंग करते हैं। देखो करीब से इस तरह का कुछ ये नज़ारा है। बोटिंग का टिकट जो है 200 रुपये पर पर्सन है, वो भी आधे घंटे के लिए, और वो भी हमको खुद चलाना पड़ेगा पैडल से। लो जी ले लिए 400 रुपये की टिकट ले ली, मतलब दो लोगों की टिकट ले ली। चलते हैं अब लेक पर, बोटिंग कर लें, महंगा तो क्या हुआ, आए तो करके जाएंगे। ओ भैया हैं, एंट्री भी करवाना है। लो भैया एंट्री कर दो। आधे घंटे का टाइम है सर, आधा घंटा बोट में घूम के आपको वापस आना है। चलिए नक्की लेक में अपनी बोटिंग स्टार्ट हो गई है, माउंट आबू के नक्की लेक। और आए तो कुछ तो करके जाएंगे। अरे भाई ये ठकरा देगा यहाँ से तू है। हाँ चल वहीं चल, आधे घंटे में यहीं पहुँच पाएंगे। ये बोट डूब गई भाई, भाई ये बोट डूब चुकी है यहाँ पे। ऐसी हालत ना हो जाए हमारा। तो बोटिंग करते करते अभी 15 मिनट ही हुए हैं और बरसात स्टार्ट होगी दोबारा से। और हमें पानी के बीचों बीच, मतलब ऊपर से ही पानी, नीचे से ही पानी, हर जगह से पानी पानी। वो सामने देखो वो है फ्रॉग पॉइंट। यहाँ से 150 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, तब आप फ्रॉग पॉइंट पहुँच जाओगे। तो वहाँ से ये पूरा सीन जो है ना और ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। भैया होगी बोटिंग अच्छी खासी, अब जा रहे हैं हम टॉड रॉक के लिए। देखो सामने ये रहा रोड, टॉड रॉक और स्वामी विवेकानंद तपस्या स्थल, ये दो चीज़ यहाँ से रास्ता जाने का। चलो तो ये सीढ़ियाँ हैं, ये करीब 150 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ने के बाद हम पहुँच जाएंगे टॉड रॉक पे। बहुत ही कम चलने की आदत है आजकल, बाइक पे निकलते रहते हैं, बाइक पे अपना पहुँच जाते हैं, तो बस थोड़ा सा सहना पड़ेगा पैरों को। ये देखो यहाँ पे इस पहाड़ पे ये कैक्टस हो गए, कितने बड़े बड़े भाई साहब, देखो किस तरीके से दिख रहे हैं। लो जी आ गए टोल्ड रॉक।
और यहाँ से ज़रा नक्की लेक देख लिया जाए कि नक्की लेक कैसा व्यू दिखता है, ज़रा आगे से देखते हैं। वाह खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, क्या ब्यूटीफुल सीन है यहाँ नक्की लेक का। तो उधर शहर है पूरा माउंट आबू का, इधर नक्की लेक, इधर से आगे रास्ता निकल जाता है आगे की तरफ, और ऊपर बादल कितनी पास हैं देखो, घने घने काने काले बादल। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे इतनी बढ़िया हवा लग रही है ना ठंडी ठंडी सी, तो उसमें मज़ा बहुत आ रहा है, मगर क्या करें जाना तो है ही। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, करीब मैंने घंटा भर के आसपास जो है यहाँ पे निकाल लिया। लो जी आ गया वापस से नक्की झील के पास, लास्ट बार देख लो नक्की झील को, ये है नक्की झील। तो हमने कुछ आटे ले लिए थे यहाँ से बच्चों से, बच्चों का भी कुछ भला हो जाए और हम भी मछलियों को खाना खिला दें। तो ये कुछ आटे के ऐसे लोहियाँ हैं, ये खिलाते हैं मछलियों को, मैं यहाँ तो भैया बच्चे आ गए खाने के लिए, इनको खिला दें क्या? यहाँ कहाँ आ गए भाई, खिलाओ बोल, आ आ आ कबूतर की तरह आओ आओ आओ। अरे 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 झपटा मारा 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 झपटा मारा 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 झपटा मारा मारा मारा, क्या बात है भाई, तो मोबाइल से बनाएंगे तो अच्छी आएगी, और लेगी लेके पकड़ के। अब उठाते अपनी बाइक, चलते हैं आगे तरफ, कुछ गुरु शिखर नाम से जगह है, अभी बताया था आपको मैंने, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे अभी टाइम है हमारे पास, करीब 3 बजने वाले हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए गुरु शिखर तक, यानी ये काफ़ी ऊपर की तरफ है और माउंट आबू से। तो देखो कितना फोग दिख रहा है यहाँ पे, देखो सामने पूरा फोग फोग लगा हुआ है यहाँ पहाड़ों पर, यहाँ तो फिर भी कम है, अगर नीचे से जो आ रहे थे ना ऊपर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। तो इतनी छोटी सी रोड पर इतनी बड़ी बस जा रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ से, जो साइड से दूसरी गाड़ियाँ निकलती हैं, क्योंकि ये रोड फिर भी थोड़ी चौड़ी है, इससे भी कम हो जा रही है, करीब करीब आधी, मगर गजब लग रही है बस ये ऐसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए। राजस्थान बस फाइनली आ गए हम गुरु शिखर पर, यहाँ पर जो है टेम्पल आ गया गुरु शिखर टेम्पल, बाइक खड़ी कर दी यहाँ पर, चलिए चलते हैं। तो ये सीढ़ियाँ यहाँ से जाएंगे ऊपर, करीब 1722 मीटर जाकर आएगा मंदिर, और ये लग रहा है कि जैसे वैष्णो देवी आते हैं ना उसके तरह से, दो तरफ दुकानें होती हैं, ऐसे दुकानें बनी हुई हैं, और बीच रास्ते से हम जा रहे हैं माता के दरबार में, ऐसे कुछ लग रहा है। देखो दोनों तरफ प्रॉपर दुकानें हैं, ये क्या शूटिंग मरवा हो गया क्या, हे कर दिया अभी मारे के पीछे सिंह वो शिखर पर। चलो भाई घास मिल गई बीच में, चलिए निकल ले, घास मिल गई बीच में उसको। आ गए हम टॉप पर एकदम गुरु शिखर के, सबसे ज़्यादा हाइट पे इसके, ये गुरु शिखर का पादुका, दत्तात्रेय पादुका। अगर पूरा फॉग हो रखा है यहाँ पे, आगे कोहरा ही कोहरा दिख नहीं रहा, एकदम सफ़ेदी आ गई है, और होता है ऐसा कि थोड़ी देर में बादल छिटेंगे और तो ये भी साफ़ हो जाएगा, फिर क्लियर भी दिखेगा थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, ये मौसम ऐसे चेंज होता जा रहा है कंटिन्यू। और चारों तरफ से देखो इस तरह से है कुछ, ये चरण पादुका, हवा गजब लग रही है भैया, गजब मजा आ गया। वो बादल कितने तेज उड़ रहे हैं देखो, आपको साफ क्लियर पता चल रहा होगा बादल कैसे उड़ रहे हैं इसमें, है नहीं गजब बादल उड़ रहे हैं एकदम। तो ये पीछे जो मेरे चरण पादुका दिख रही है गुरु शिखर की, ये इसमें है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की चरण पादुकाएँ, इनको निशान है इसमें,
और उन्हीं के नाम पर इसका गुरु शिखर नाम इसे रखा गया है, क्योंकि तीनों गुरु कहलाते हैं ब्रह्मांड के, इसलिए गुरु शिखर इसका नाम दिया गया। और उन्हीं का मंदिर है नीचे, गुरु शिखर मंदिर। 4:40 हो गए तो बस अब यहाँ पे 15-20 मिनट रुकेंगे, अपना आराम करेंगे, चाय मंगाइए, चाय पियेंगे और उसके बाद वापस निकलेंगे। चले मिलता हूँ आपसे या तो किसी पॉइंट पे या फिर होटल में। लो जी फाइनली आ गए अपने होटल में। और अभी तो मैं था गुरु शिखर पर और वहाँ से आपको बोला था मैंने कि अगर और कुछ होगा दिखाने के लिए तो वो भी दिखाऊंगा आपको, वरना मैं मिल जाऊंगा सीधे आपको अपने होटल में। और अभी करीब हो रहा है टाइम 8:06, तो करीब मेरे को 10-15 मिनट ही हुए हैं अभी होटल में आए हुए और आके अपना आपसे बात कर रहा हूँ। और ना चाहते हुए भी मेरे शेड्यूल में मेरे ये आ गया माउंट आबू। तो इस राइड के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और माउंट आबू दो बड़े स्पॉट्स जो है मैंने कवर किए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा आज का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आए दिन व्लॉग्स देख तो रहे मेरे मगर कई लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए safar_vlog। जो चीज़ें मैं कई सारी यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है इंस्टाग्राम पर भी आ जाती हैं और उसमें पहले आ जाती हैं, तो आपको वहाँ से अपडेट मिलती रहेगी। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग में, जिसमें वापसी का सफ़र स्टार्ट होने वाला है जो है 4 सितंबर से। तो बस अपना ख्याल रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जब भी सफ़र पे निकलें सफ़र पे याद रखना।